उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे नागपुर दौरे पर आ रहे हैं। नागपुर से सटे रामटेक में किसानों के साथ पर्यावरण पर चर्चा करने वाले हैं। आदित्य के आने के पूर्व ही नागपुर के रामटेक के रास्तों पर आदित्य ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री बनने के बैनर देखने को मिल रहे हैं। ये बैनर युवा सेना की ओर से लगाए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इस विषय में नागपुर युवा सेना अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की इच्छा है कि आदित्य ठाकरे ही भविष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि शिवसेना के गद्दारी के बाद आदित्य ठाकरे का व्यक्तित्व एक लोक नेता बनकर सामने आया है। आप जिस हिसाब से अभी महाराष्ट्र की जो राजकीय परिस्थिति देख रहे हैं, जिस हिसाब से शिवसेना के दो गुट निर्माण किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद में आदित्य साहब ने जिस प्रकार से सारे मुद्दे और जो सिचुएशन हैंडल की है, उस सारे परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने आदित्य साहब और ठाकरे परिवार का नेतृत्व स्वीकार किया हुआ है। जिस हिसाब से आदित्य साहब पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, अभी नागपुर में आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है, लोगों ने युवा नेतृत्व को स्वीकार किया है और पहले से ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट किया है और उनका काम नेतृत्व देखते हुए महाराष्ट्र ने उनको एक्सेप्ट किया है। उसी कारण अभी सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि वो अभी आने वाले समय में भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सभी में आशा लगी हुई है और सभी में उत्साह है। उस कारण हमारे जो उत्साही कार्यकर्ते शिवसैनिक है, उन्होंने बैनरबाजी की है और सभी लोग आनंदित है इसमें। उसे देखते हुए आदित्य ठाकरे भविष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए यह आनंद की बात है, साथ ही विरोधियों के लिए ये एक चेतावनी भी है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।